ओके ओके सो हे व्हाट्सअप बॉयज एंड गर्ल, क्या हाल है तुम्हारे भाई लोग के, तुम्हारा भाई डीनो विद बैक टू द अनदर वीडियो। गाइस आ चुके हैं एक और वीडियो लेकर, और थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि यार क्विक वीडियो होने वाली है ब्लू स्टैक की, जो की मैपिंग है उसके ऊपर। तो यार आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने जो की मैपिंग की दिक्कत आ रही है कुछ लोगों को कि ब्लू स्टैक में उनकी की मैपिंग नहीं हो पा रही ढंग से, उसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। और ये देखो आपके सामने लाइव पूरा प्रोसेस मैं करके दिखाऊंगा क्या सीन है क्या नहीं है, ठीक है। उसके लिए पहले ओपन कर लेते हैं। देखो मैंने BGMI डाउनलोड कर लिया, और पहले से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने पहले ही अपनी की मैपिंग सेट कर दी है, उसी हिसाब से मैं की मैपिंग आपकी भी करा दूंगा, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये ऑन हो रहा है बेसिकली, अगर मैं बता दूं जब तक ये स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको अपना इंटरव्यू दे देता हूँ। मैं लाइव स्ट्रीम करता था गाइस, अब मैंने लाइव स्ट्रीम बंद कर दी है। तो लाइक मेरे को काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स की नीड है, तो होपफुली अगर आप देख रहे हो उस वीडियो को तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना चैनल को, इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू मेरे भाई, ठीक है। बाकी जब गिव अवेज आएंगे तो आपको नोटिफाई हो ही जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, राघव साइलेंट नाम से मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे, लेट्स गो। तो यार यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी जो BGMI है वो स्टार्ट हो गई है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अभी जैसे ये ओपन हो जाता है, हमें जैसे कि यहाँ पे ओपन हो गया है, ठीक है। पहले गेम की आवाज़ बंद कर लेते हैं गाइस, जस्ट वेट। देखो बिल्कुल नई आईडी है मैंने, ठीक है, कल ही जो है मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज किया था, जो कि मेरे को काफी प्यारा लगा, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दिया जाए। ओके, तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको यहाँ पे जाना है और आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में क्लिक करके ट्रेनिंग ग्राउंड जो है वो पहुंचाना है, ठीक है। देख सकते हैं गाइस BGMI है, कुछ भी कट पेस्ट नहीं है वीडियो में, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल एज इट इज। मैंने PC ऑन किया, रिकॉर्डिंग ऑन करी एंड जस्ट आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, लेट्स गो। तो काफ़ी टाइम लग रहा है गाइस, ठीक है। अच्छा ओके, यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, तो मैं आपको दिखा दूँ। देखिए मेरे सारे कंट्रोल्स जो हैं वो एकदम मस्त से चल रहे हैं, ठीक है, लाइक दिस, लाइक सेट, ठीक है, लाइक जंप, लाइक पीक, हियर एंड देयर, ठीक है। ऑल्ट जो हमारी गेम लूप में था, ऑल्ट से जो भी की मैपिंग थी वो पूरी सेट है, ठीक है। कंट्रोल से माउस निकलता था, बेसिकली यहाँ पे भी कंट्रोल है। कैसे हुआ मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है, या आप एक काम करो, सबसे पहले ना अपने आपको उसमें क्रसर में दिक्कत आ रही होगी, तो सबसे पहले आप काम करो अपना कीबोर्ड खोलो, ठीक है। ये कीबोर्ड का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, उस पर ओपन एडवांस एडिटर पे क्लिक करना है आपको। बीच में आपका यहाँ पे सेंटर डॉट जो होगा ना वो यहाँ पे दिखेगा आपको कंट्रोल का, आई मीन लाइक कोई भी की हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके कंट्रोल सेट करना है और नीचे से कर देना सेव, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, यहाँ से इसको काट देना है पूरा। उसके बाद आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है, ऑडियो में जाना है। ऑडियो में जाके पहले आप अपना साउंड वाउंड सब कुछ चेक कर लो, क्योंकि बग आजकल काफ़ी सारे हो रहे हैं, ठीक है। ओके आवाज़ आ रही है तो इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल्स पे जाते हैं, कंट्रोल्स पे जाके एडवांस कंट्रोल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए ये मेरी सेटिंग, ठीक है, वैसी की वैसी है, कोई भी चेंजेस नहीं है। आपको लग रहा होगा मैंने कुछ और चेंजेस किए हैं, बिल्कुल भी नहीं है। कस्टमाइज बटन है यहाँ पे, आपको थर्ड वन पे क्लिक करना है, कस्टमाइज करना है उसको, ठीक है। ये देखिए, ये आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा कीबोर्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे देंगे, 1080p स्टैंडर्ड, 2K स्टैंडर्ड, और यहाँ पे 720p स्टैंडर्ड, ठीक है। आपको 720p स्टैंडर्ड पे क्लिक करना है। एडवांस ओपन एडवांस जो सेटिंग्स हैं उसको ओपन करनी है आपको, ठीक है। यहाँ पे आप कंट्रोल्स देख रहे हैं कैसे सेट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये सारा एज इट इज़ जैसा है वैसे कॉपी पेस्ट कर देना है, कौन से बटन कहाँ पे हैं, क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, ठीक है। सवाल मत करिएगा, सिर्फ आप जैसे ही कॉपी पेस्ट जो है ये उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, सेव कर लीजिएगा, काट के उसके बाद सेव कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बैक जाएंगे, सबसे पहले हमको जाना है कंट्रोल। देखो जो बीच वाला जो क्रसर है ना वो ना कंट्रोल का था, तो हमने कंट्रोल पर क्लिक किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं रन कर पा रहा हूँ अच्छे से। आप सीधा सिंपल भी भाग सकते हैं विदाउट स्विफ्ट दबा के, स्विफ्ट के साथ भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गन लेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ आपको एक और चीज़ क्या मैंडेटरी करनी है, वो जो एफ वाली की थी ना, देखिए एफ से उठा पा रहा हूँ मैं कुछ भी चीज़। तो उसके लिए क्या करना है आपको, दोबारा कंट्रोल क्लिक करना है, कर्सर बाहर निकालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कीबोर्ड पर क्लिक करना है, ओपन एडवांस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी गन्स हैं उनके नीचे आप एक पर्टिकुलर कुछ भी बना के वहाँ पे अपनी की जो है वो मैंडेटरी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मैंडेटरी है। आपको तो एफ़ से ही उठाना पड़ता है, ज़्यादातर जो PC इमुलेटर गेमर्स हैं उनको तो एफ़ से ही उठाना पड़ता है। तो
तो यहाँ पे एफ पे क्लिक कर देना फर्स्ट रो में, ठीक है, सेकंड रो में आप जी कर देना, ठीक है, और थर्ड रो में दोबारा एफ कर देना, दैट्स इट। उसके बाद आप यहाँ पे सेव करके अपना सेटिंग सेव करके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्सर मैंने हटाया और यहाँ से मैं कुछ भी गन वगैरह उठा पा रहा हूँ, स्कोप कर पा रहा हूँ, पीक कर पा रहा हूँ। ओके, सेंसी मैंने अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रखी है क्योंकि मैं एमुलेटर में नहीं खेलने वाला हूँ BGMI। ऑफ कोर्स काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, खासकर जो गेमर्स हैं हमारे, उन लोग को लगता है कि अगर एक स्ट्रीमर स्ट्रीम कर रहा है BGMI ऑन देयर लैपटॉप और कुछ भी PC पे, तो वो बहुत बेकार चीज़ है, क्योंकि मोबाइल वाले गेम्स मोबाइल में ही अच्छे लगते हैं, और दैट्स ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सही जो है, ये बिल्कुल भी लैग नहीं हो रहा, बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, बाकी और सेटिंग में अगर मैं आपको बताऊं तो एक और सेटिंग आपके लिए एडवांस सेटिंग में बता देता हूं, जिससे आपका जो लैग है वो कम हो जाएगा। आपको सेटिंग में जाना है, ठीक है, आपको डिस्प्ले देख लेनी है, ठीक है, ये अपने हिसाब से आप चेंज कर लेना, ग्राफिक्स देख लेना है OpenGL और ये पे, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंसेस पे जाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेट कर लेना है। डिवाइस पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे सबसे मेन है डिवाइस, ठीक है, नेटवर्क को आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। डिवाइस में जाके यहाँ पे चूज आ रहा है आपको, उसको नीचे क्लिक करके यहाँ पे काफ़ी सारे फोन्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, आपको नीचे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा, इस पर क्लिक करके आपको सेव चेंजेस कर देना है, जिससे कि आपके 90 FPS प्रॉपर आएंगे। प्रॉपर तो नहीं कह रहा, अप्स एंड डाउन होते रहेंगे, बट लेकिन ये क्विक वीडियो तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से, जो आपको लैग की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है, दैट्स इट। और ये वीडियो भाई मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने भी काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स देखे, उसके बाद मैंने कुछ जो है वो अपनी मर्जी से यहाँ पे बटन बनाए हैं और बाकी सारे जो है मैंने देख देख के बनाए हैं। तो लेट्स गो गाइज, ठीक है, अभी सच बताने का भाई एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, लेट्स गो गाइज, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कोई यहाँ पे मैंने बकैदी नहीं करी, सीधा आपको ट्यूटोरियल बताया, कैसा लगा मेरे को वीडियो में बताना, ठीक है।